पता नहीं उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय एवरीवन, तो चुप रे। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग, आ चुके हैं अबे चुप रे, रो रहा है खामे का। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। हाय एवरीवन, तो आ चुके हैं बॉबी व्लॉग्स के एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। आई होप कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूं बिहार और अभी मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। और गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में ये पहिया वाली बैग है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं रेलवे स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे रेलवे स्टेशन पर मिलता हूं। रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैं ऑटो पकड़ लेता हूं क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास जो सामान है ना इसमें वजन रहता है इसके वजह से। और आप लोग देख सकते हो इस ऑटो में कौन कौन से भाई लोग बैठे हुए हैं। सामने मेट्रो स्टेशन है, उसके लेफ्ट साइड में फिर रेलवे स्टेशन पड़ेगा। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, सामने मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर रोड है, आप लोग देख सकते हो, और नीचे बल्लभगढ़ का मंडी है। अभी ऐसा सिचुएशन है, 1:05 हो चुका है और 1:20 पर ट्रेन है, तो देखते हैं गाइज क्या हम ट्रेन में बैठ पाते हैं। देख सकते हो गाइज ये सारा व्यू है और इधर बस स्टैंड है बल्लभगढ़ का, आप लोगों को दिख जाएगा। और ये रहा मेट्रो स्टेशन, आप लोग देख सकते हो, जिसका नाम राजा नहर सिंह बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है। अगर आपने अभी तक इस व्लॉग को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे बॉबी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे बॉबी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना इस तरह का व्लॉग्स देखने के लिए। आप लोग देख सकते हो मैं रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ और मुझे अभी टिकट भी लेना है गाइज। टिकट घर इधर है, आप लोग देख सकते हो राइट में है टिकट घर। अभी हम चलते हैं टिकट लेने। नई दिल्ली जाने के लिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचता हूँ और मैं थोड़ा बहुत थक भी चुका हूँ। सामने आप देख सकते हो 13:20 हो रहा है, यानी कि 1:20 और अभी इस साइड से दिल्ली के लिए ट्रेन आ रही है। लो फ्रेंड्स, लोकल ट्रेन आ गई। स्क्रीन पर आपको ट्रेन का नंबर शो हो रहा होगा और ये ट्रेन कहां से कहां तक जाती है ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। गाइज ट्रेन में बैठ के आपसे मिलता हूँ। गाइज मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और मुझे सीट भी मिल चुकी है, मेरा बैग ऊपर आप देख सकते हो और पब्लिक इधर बैठी हुई है। ओ भाई साहब मजा आएगा यार। मैं बल्लभगढ़ से निकल चुका हूँ और अब जा रहे हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली से वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे, देन बिहार पहुँचेंगे। ओके फ्रेंड्स, और आप लोगों को पता ही है लगभग आधा यूपी और झारखंड और बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है और छठ पूजा को लेकर इतना भीड़ होता है दिल्ली में, वो आप लोगों को पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो अभी आप लोग दिल्ली जब जाओगे ना तब देख लेना कितना भीड़ होने वाला है। आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप लोग आज का व्लॉग लास्ट तक देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा। सो गाइस चलते हैं नई दिल्ली। अभी हम फरीदाबाद स्टेशन में पहुंच चुके हैं और देख सकते हो गाइस ये ट्रेन कितनी स्पीड चल रही है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना ये ट्रेन कितनी स्पीड चल रही है। अभी ये ट्रेन तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और मैं सामने वाले दुकान से 2 ब्रेड पकौड़ा खरीद लेता हूँ जो कि मुझे 20 रुपीज का पड़ता है। ब्रेड पकौड़ा का टेस्ट ठीक ठाक था लेकिन सॉस बेकार था तो मुझे सॉस को फेंकना पड़ा और सादा ब्रेड पकौड़ा खाना पड़ा। अब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। वैसे तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बहुत पहले आ गया था लेकिन यहाँ पर घूमते घूमते मुझे टाइम का पता नहीं चला। और जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना भीड़ है और दिल्ली में इतना भीड़ दिवाली या फिर छठ पूजा के टाइम ही देखने को मिलता है। मैं वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से जाने वाला हूँ। ये ट्रेन दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 8:40 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है ये भी आपको स्क्रीन पर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये ट्रेन दिल्ली में प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे 8:00 आती है और उसी समय ट्रेन रुकने के बाद मैं एंट्री लेता हूँ और आप लोग देख सकते हो मैं कितना भीड़ में फंसा हुआ हूँ। भीड़ के वजह से मैं रात में व्लॉग शूट नहीं कर पाया था। अभी सुबह के 7:00 रहा है और अभी मैं वॉशरूम करके अपने जगह पे जा रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ है। अभी जो आप देख रहे हो ये बोगी स्लीपर का है और आप लोग अंदाजा लगा सकते हो जब स्लीपर में ये हाल है तो जनरल में क्या हाल होगा। अभी के टाइम पर बिहार जाने वाले हर एक ट्रेन में ट्रेन के आगे और पीछे
के 5-5 एक्स्ट्रा जनरल डिब्बे लगाए जा रहे हैं, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही। अब मैं आपको बताया था मेरा टिकट कौन सा था। मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, मेरा टिकट वेटिंग लिस्ट में ही था और वो टिकट स्लीपर का ही था। मुझे ट्रेन में आने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि फ्रेंड्स मैंने न्यू फ्रेंड्स बना लिए थे, जिसमें से भैया भी थे, एक अंकल भी थे, मतलब हर एक तरह के फ्रेंड बन गए थे। और ऐसा नहीं है कि भीड़ था तो मैं रात में सो नहीं, रात में मैंने कम से कम 4-5 घंटा तो आराम से नींद लिया होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ था, दिक्कत बहुत लोगों को हुआ था क्योंकि गाइस टिकट मिल नहीं रही थी और मिल रही थी तो वेटिंग लिस्ट में थी। वेटिंग लिस्ट में बंदे क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सफर कर सकते हैं। तो इसी के वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हुआ घर तक पहुंचने में। और बाकी के मैं घर कैसे कैसे पहुंचा वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिख जाएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आप लोग आज का ब्लॉग एंड तक देखना। ओके फ्रेंड्स, ये देखो आज कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। बाबू हाय करियो, ऐसे हाय। हाँ हाँ, सुबह 9:20 पे हम गोरखपुर जंक्शन पहुंचते हैं और 9:30 पर गोरखपुर जंक्शन से रवाना हो जाते हैं अपने बिहार के लिए। 11:40 पर हम सिवान जंक्शन पहुंचते हैं और 11:50 पर सिवान जंक्शन से रवाना होते हैं। देखिए मोबाइल खींच के लगा रहा हूं। अरे अरे भाई, मैंने बहुत टाइट पकड़ रखा है। छपरा जंक्शन पे मैं बड़ी और लिट्टी से नाश्ता करता हूँ। मुझे 20 रुपए का 2 बड़ी और 1 लिट्टी मिलता है। चलो गाइस, मैं अब आपको एक छोटू से मिलवाता हूँ। हाय कर दे। So guys, जो छोटू ने वाला वो जरूर कर देना। अब गाइज आप लोग ट्रेन की स्पीड को एंजॉय करो। अब आपको आने वाला असली मजाक, क्योंकि गाइज अब आ गए हमारे ट्रेन में टीटी। अरे वो से नहीं होगा, तुमको उठा कर पीट दिया जाएगा, मारने लगेंगे ना। निकल, पैसा निकल। आई थिंक टीटी ने उस बंदे से कुछ फाइन लिया और जनरल डिब्बे में भेज दिया था। सोनपुर जंक्शन के बाद हम पहुंचेंगे हाजीपुर जंक्शन और हाजीपुर जंक्शन में ही मैं उतरूंगा, देन वहां से मैं अपना गांव जाऊंगा। अब हम गंगा नदी का ब्रिज पार करने वाले हैं। ये गंगा नदी सोनपुर और हाजीपुर के बीच में पड़ता है। अब आप लोग देख सकते हो मैं हाजीपुर जंक्शन आ चुका हूँ। फटाफट से ट्रेन से उतरता हूँ और छोटू को सबसे पहले बाय बोलता हूँ। और छोटू का नाम साजन रहता है। छोटे बाय। लो भाई साहब, केले वाले भैया आ गए। आप लोगों को पता ही होगा हाजीपुर का सबसे ज्यादा फेमस केला ही है, और अभी त्योहार का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर 30 रुपए दर्जन केला मिल जाएगा, और जब त्योहार नहीं रहता तो यहाँ पर ये केला 10 रुपए दर्जन 15 रुपए दर्जन मिल जाता है। ये देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ से ब्रिज पार कर रहा हूँ और आप लोग ट्रेन का नाम देख सकते हो, वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर आता हूँ, देन टॉयलेट में फ्रेश होने के बाद मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। देन आप लोग हाजीपुर के बाहर का स्टेशन का व्यू देख सकते हो। हाजीपुर से मैं एप्पल लेता हूँ बिकॉज
मम्मी ने बोला था कि 1 किलो सेब लेकर आई हो। उसके बाद मैं पासवान चौक जा रहा हूँ क्योंकि गाइज वहीं से बस मिलेगी जंदाह के लिए। देन वहां पर मैं सबसे पहले खाता हूँ एक लिट्टी और एक समोसा, बिकॉज यार मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी। और उसके बाद मैं गणेश मिष्ठान भंडार से 1 kg ब्लैक वाली और येलो वाली मिठाई लेता हूँ। देन अब हम जाने वाले हैं बस से। कहाँ जाने वाले हैं? जी हाँ, जंदाहा। लगभग 3 साल बाद मैं बस के छत पर बैठा हूँ। और गाइज यहाँ पे जो बैठ के आनंद आता है ना, वो आनंद कहीं भी नहीं आ सकता। अगर आप भी कभी बस के छत पर बैठकर कहीं गए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर आपने अभी तक इस ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे बॉबी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे बॉबी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना इस तरह का ब्लॉग्स देखने के लिए। देन आप लोग इस सफर को थोड़ा सा एंजॉय करो, काफी ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो फटाफट से लाइक कर दो गाइज, और ये व्लॉग अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कर देना। मेरा नेक्स्ट व्लॉग छठ पूजा का फर्स्ट डे नेहाखा होता है, उसके ऊपर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, उस व्लॉग को देखने के लिए हमारे बॉबी व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।